हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका जो स्मार्टफोन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मेरा स्मार्टफोन दोस्तों, ये मेरा जो स्मार्टफोन है मेरा कंप्यूटर में मैं यूज़ करूँगा दोस्तों, पूरा का पूरा फोन कंप्यूटर में मैं यहाँ पे चला के दिखाऊंगा दोस्तों। तो आपको कैसे करना है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। मोबाइल में जो भी फोटो होता है दोस्तों आप कंप्यूटर में देख पाओगे, आप मोबाइल में जो भी ऐप है कंप्यूटर में यूज़ कर पाओगे, मोबाइल में जो भी मूवी या वीडियो है कंप्यूटर में देख पाओगे, पूरा का पूरा मोबाइल जो है दोस्तों कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा। तो कैसे करना है यही इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू साहिल फॉर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत होंगे। तो चलिए आज के लिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरा कंप्यूटर और यार मेरा जो मोबाइल है दोस्तों, यहाँ पे मैंने ले लिया और इस मोबाइल को मैं इस कंप्यूटर को कनेक्ट करके दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे जितना सारा ऐप्स दिख रहा है मेरे मोबाइल में, जितना सारा यहाँ पे फोटो दिख रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो जितना भी फोटो है दोस्तों, ये सारा का सारा फोटो यहाँ पे मेरा कंप्यूटर में शो होगा दोस्तों। आपको बिना यहाँ पे कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। मोबाइल से आपका कंप्यूटर में फोटो सेव कर सकते हो, फाइल सेव कर सकते हो दोस्तों। तो कैसे करना है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो मेरे वीडियो के नीचे जाना है और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक लाइक का बटन मिल जाएगा, तो इस खुशी में आपको एक लाइक जरूर कर देना है यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और साथ में जो घंटी है घंटी में आपको ऑल में दबा के रखना है और नीचे आना। नीचे आने के बाद दोस्तों पब्लिक अकाउंट पे आने के बाद आपके मन में जो भी डाउट है और वीडियो कैसा लगा या कुछ भी दिक्कत हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक कमेंट करके आपको जरूर बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो स्मार्टफोन है आपका स्मार्टफोन पे आपको जो प्ले स्टोर है दोस्तों, प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, लिंक टू विंडोज करके यहाँ पे आपको सर्च करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो लिंक टू विंडोज, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये सॉफ्टवेयर आपको आपके मोबाइल में दोस्तों डाउनलोड करना है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है दोस्तों, आप आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड करके रखना है और रखने के बाद यहाँ पे बैक पे चले जाना है। तो अभी आपका जो काम है दोस्तों, आपका लैपटॉप, आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप है दोस्तों, लैपटॉप में काम है, तो ये मोबाइल में यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो आपको सर्च बार पे मिल जाएगा आपका कंप्यूटर में, यहाँ पे देख सकते हो सर्च बार, तो इस सर्च पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है लिंक, यहाँ पे देख सकते हो लिंक योर फोन दोस्तों, ये आपको यहाँ पे सर्च करना है लिंक योर फोन, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों इसी तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके कंप्यूटर में। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर में यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग्स करके यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड ए फोन करके, तो इस ऑप्शन को यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है और नीचे यहाँ पे आपको गेट ऐप करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो आपका माइक्रोसॉफ्ट जो होता है दोस्तों आपके कंप्यूटर में, ये आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम रुकना है और रुकने के बाद यहाँ पे आपको इसी तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ पे देख सकते हो ओपन करके एक ऑप्शन मिल रहा है, इस ओपन पे आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है दोस्तों, इसी तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा देख सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, आपका जो फोन है दोस्तों, फोन में जो आपको सॉफ्टवेयर जो आप लिंक टू विंडोज जो आप डाउनलोड किए थे, इसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद इसी तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिंक टू योर फोन एंड पीसी पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यू करके ऑप्शन मिल जाएगा, इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका जो है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट। तो अभी आपका जो फोन है दोस्तों कंप्यूटर में पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरा देख सकते हो मोबाइल में जो इतना सारा फोटो है, तो अभी मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे मैसेज जो भी मेरा मोबाइल में मैसेज आएगा दोस्तों कंप्यूटर में आ जाएगा और यहाँ से मैं कॉल कर सकती हूँ, मैसेज रिप्लाई देख सकती हूँ, यहाँ पे कॉल का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसमें यहाँ से मैं कॉल कर सकती हूँ और यहाँ पे फोटो मिल रहा है, फोटो में जाऊँगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मेरा मोबाइल में जितना भी फोटो था दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो ये फोटो यहाँ पे था, यहाँ पे भी है दोस्तों, ये फोटो देख सकते हो, ये फोटो है जितना का जितना सारा मोबाइल में है दोस्तों, यहाँ पे सारा का सारा फोटो यहाँ पे आ गया है देख सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, सारा का सारा फोटो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल में जो भी ऐप्स है दोस्तों, इस ऐप्स को भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो पूरा मोबाइल इस कंप्यूटर में मैं चला सकती हूँ। तो इसी प्रोसेस से ही आप आपका जो कंप्यूटर है कंप्यूटर में आप आपका मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखने के बाद आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।